नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज चर्चा करेंगे 14 अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय हॉकी टीम के लिए 300 कैप पूरे करने पर सम्मानित किया गया। तो भारतीय हॉकी टीम के लिए 300 कैप पूरे करने पर किसे सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब है PR श्रीजेश। तो PR श्रीजेश को भारतीय हॉकी टीम के लिए 300 कैप पूरे करने पर सम्मानित किया गया है। इसकी डिटेल जान लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश, इन्हें राष्ट्रीय टीम के लिए 300 मैच पूरे करने के लिए सम्मानित किया गया। तो जो PR श्रीजेश हैं, ये क्या है, भारतीय पुरुष हॉकी गोलकीपर हैं ये, और इन्हें 300 मैच पूरे करने के लिए सम्मानित किया गया है। PR श्रीजेश ने चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में जापान के खिलाफ हीरो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी चेन्नई 2023 के भारत के सेमीफाइनल मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। तो ये उपलब्धि उन्होंने जो चेन्नई में खेला गया मैच जापान के खिलाफ, तो इस दौरान उन्होंने ये उपलब्धि हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई है? तो हर घर तिरंगा जो बाइक रैली है, तो इसे हरी झंडी किसने दिखाई है? सही जवाब है जगदीप धनखड़। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जगदीप धनखड़ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई है। तो देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, और इन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी हरी झंडी दिखाई है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक इस बीच पूरे देश में हर घर तिरंगा मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के कौन से राज्य में विश्व की सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो कौन से राज्य में विश्व की सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो ये फहराया गया है जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जम्मू कश्मीर में विश्व की सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 है, इसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें भारत शीर्ष पर रहा है, तो पहले स्थान पर भारत रहा है। डिटेल जान लेते हैं। तो जर्मनी के बर्लिन में खेला जा रहा है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023। तो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप जो 2023 है, ये जर्मनी के बर्लिन में खेले जा रहा है, और इसमें भारत की महिला कंपाउंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने वर्ग के फाइनल में शीर्ष वरीयता इन्होंने हासिल की है, और इन्होंने मैक्सिको की जो टीम है इसको हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर दिया है। ये पहला मौका है जब भारत के खिलाड़ी ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के किसी भी वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, तो ये भारत के लिए काफी विशेष महत्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? जो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 है, ये शुरू किया गया है बेंगलुरु में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो बेंगलुरु में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से भारतीय मूल के कौन टेस्ला के नए CFO बन गए हैं? तो भारतीय मूल के टेस्ला के नए CFO कौन बन गए हैं जो कि भारतीय मूल के हैं? तो ये हैं वैभव तनेजा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो वैभव तनेजा भारतीय मूल के टेस्ला के नए CFO बन गए हैं। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में टेस्ला ने भारतीय मूल के वैभव तनेजा को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। इसके साथ ही वह कंपनी के चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर यानी CAO, तो CAO की वर्तमान भूमिका भी वो निभाते रहेंगे। तो अभी वो CAO थे, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, और ये इस भूमिका को भी निभाते रहेंगे। इसके साथ ही उन्हें CFO के पद पर भी नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जस्टिस सुभाषिस तलपात्रा ने कौन से राज्य के हाई कोर्ट के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो
जो जस्टिस सुभाषिस कलपत्रा है, इन्होंने किस राज्य के हाईकोर्ट के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने ली है उड़ीसा राज्य के। तो उड़ीसा राज्य के हाईकोर्ट के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सुभाषिस तलपात्रा ने शपथ ली है। तो न्यायमूर्ति सुभाषिस तलपात्रा ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर एस मुरलीधर, तो इनकी जब सेवानिवृत्ति हुई है तो उसके बाद उनकी जगह अब लेंगे न्यायमूर्ति सुभाषिस तलपात्रा, जो कि 33वें मुख्य न्यायाधीश होंगी उड़ीसा उड़ीसा उच्च न्यायालय की। पद एवं गोपनीयता की शपथ उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, तो प्रोफेसर गणेशी लाल द्वारा इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जो कि उड़ीसा के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो 2023 जो ग्लोबल लीडर 2023 है, तो इस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? जयेश सैनी को। तो जयेश सैनी को स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो जो जयेश सैनी है, इन्हें अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला कौन से राज्य में शुरू होगी? तो G20 जो सदस्य देश है, तो इनके लिए समर्पित जो विशेष कला है ये कौन से राज्य में शुरू होगी? तो ये होगी बिहार राज्य में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो बिहार राज्य में विशेष कला शुरू होगी G20 सदस्य देशों के समर्पण के लिए। तो G20 सदस्य देशों को समर्पित एक कला प्रदर्शनी बिहार संग्रहालय पटना में शुरू होगी, और इस प्रदर्शनी का शीर्षक है टुगेदर वी आर आर्ट। तो टुगेदर वी आर्ट इस प्रदर्शनी का शीर्षक होगा। केंद्रीय कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में भारत सहित 29 देश भाग ले रहे हैं। तो टोटल 29 देश इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानसून ए पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो मानसून ए पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग जो पुस्तक है, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है, ये अभय कुमार के द्वारा लिखी गई है। तो अभय कुमार की ये पुस्तक है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री सौर मिशन जो शुरू किया गया है, ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो मेघालय। तो मेघालय राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो स्थायी ऊर्जा और बिजली की कमी से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और ये मेघालय ने सीएम सौर मिशन शुरू किया है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, और ये दिन एक जागरूकता दिवस है और युवाओं से जुड़े सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करता है। इस दिन को मनाने की जो घोषणा है, ये संयुक्त राष्ट्र ने 1999 में, तो 1999 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन की घोषणा, और पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। इस बार इसकी थीम है ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवार्ड्स ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवार्ड्स ए सस्टेनेबल जो वर्ल्ड है, ये इस बार की थीम है 2023 की। अगस्त माह के दिवस है, 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, ये दिवस 1 अगस्त को मनाया, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस,
20 अगस्त सद्भावना दिवस, 26 अगस्त महिला समानता दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये अगस्त माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो कि मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी देने वाला राज्य, तो पर्यटन, जल पर्यटन और साहसिक खेल, तो जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश है बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में लोक भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश जल पर्यटन एवं साहसी खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह नीति 10 वर्षों के लिए वैध होगी। तो जो मुख्यमंत्री कार्यालय की जो प्रेस विज्ञप्ति हुई है, इसके अनुसार जो ये नीति है ये 10 वर्षों के लिए वैध होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन संघ के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, ये किया गया है दिल्ली में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन संघ के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार, इन्होंने नई दिल्ली में डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए पुस्तकालय सशक्तिकरण के अंतर्गत औषधि इलेक्ट्रॉनिक संसाधन संघ के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नया प्रस्तावित नाम निम्न में से है। तो हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नया प्रस्तावित जो नाम है ये निम्न में से है, तो ये है आपका हिमक्राफ्ट। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हिमक्राफ्ट इसका नया प्रस्तावित नाम है। डिटेल जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं सीएम सुखविंदर सिंह। तो सुखविंदर सिंह क्या है, हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं और इन्होंने राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कॉरपोरेशन करने की घोषणा की है। हिमाचल के हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पाद की बिक्री हिमक्राफ्ट ब्रांड के नाम से अब बिक्री होगी और इस रिब्रांडिंग का उद्देश्य क्या है, निगम के कार्य को विस्तार प्रदान करना और बाजार में एक विशिष्ट ब्रांड के रूप में उत्पादों को बढ़ावा प्रदान करना। तो ये इसका उद्देश्य है जो कि नया प्रस्तावित नाम है हिमक्राफ्ट। दोस्तों ये हो गए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर 14 अगस्त 2023 के, और ये जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।